नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। खराब विद्युत आपूर्ति को लेकर गाजीपुर के करंडा के ब्राह्मणपुरा चट्टी पर शनिवार को स्वाभिमान संगठन के सदस्यों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की और बिजली आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2 महीने से बिजली आपूर्ति इतनी खराब है कि 2 घंटे भी सुचारू रूप से निर्बाध गति से बिजली नहीं मिल रही। ग्रामीणों का दुख दर्द सुन युवा समाज सेवी अंकुर कुमार सिंह अनुराग ने कहा कि 24 घंटे के भीतर चोचकपुर की बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो हम लोग मंगलवार को चोचकपुर उपकेंद्र पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठक में स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर देवेश सिंह, विनीत दुबे, प्रदेश अध्यक्ष अमितेश मिश्रा, नीलेश दुबे, दिनेश सिंह पिंकू, संदेश दुबे, सुनील दुबे, ब्रह्मानंद दुबे, किशुन यादव, मैनेजर गोण, छोटू विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे। गाजीपुर के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के गाजीपुर रसड़ा मार्ग पर शुक्रवार की देर रात खाना खाकर टहल रहे अधेड़ की डीसीएम के टक्कर से मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पुलिस ने शव के साथ ही चालक सहित डीसीएम को कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के संबंध में बताया गया कि बहरामपुर गांव निवासी किसान रामजीत यादव उम्र 50 खाना खाने के बाद रात में करीब 10 बजे गाजीपुर रसड़ा मार्ग पर टहल रहे थे। इसी दौरान गाजीपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह ने बताया कि चालक सहित वाहन को कब्जे में ले लिया गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के पुत्र की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर के करंडा थाना पुलिस को शुक्रवार की रात बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ उसने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर पिछले माह थाना क्षेत्र में हुए लूट की वारदात का खुलासा कर दिया। शनिवार को पुलिस लाइन में अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश करते हुए एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि गिरफ्त में आए बदमाश अपने शौक को पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम देते थे। उनके पास से लूटी गई बाइक, मोबाइल, 2940 नकदी, घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ ही 2 तमंचा एवं 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक स्वाट टीम प्रभारी श्यामची यादव, उप निरीक्षक अजय कुमार पांडे, उप निरीक्षक रामाश्रय राय, उप निरीक्षक आलोक कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक शिवपुंजन बिंद, हेड कांस्टेबल राम भवन और कांस्टेबल रमन कश्यप शामिल थे। पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 की धनराशि देकर पुरस्कृत भी किया। बीएड प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को होगी। इस परीक्षा के लिए गाजीपुर जिले में लूदर्स कॉन्वेंट बालिका इंटर कॉलेज सहित 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम पाली में सुबह 9 से 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली में 2 से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। इस परीक्षा में 6,700 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षा को संपन्न कराने के लिए जनपद को 3 जोन में विभक्त किया गया है। इसमें 15 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी की गई है। परीक्षा से एक दिन पूर्व शनिवार को परीक्षा केंद्रों पर इसकी तैयारी होती रही। लूदर्स कॉन्वेंट बालिका इंटर कॉलेज की शिक्षिकाएं डेस्क बोर्ड पर अनुक्रमांक चस्पा करने में लगी रहीं। प्रधानाचार्य सिस्टर अल्फोंसा ने बताया कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के गाजीपुर वाराणसी मार्ग पर गोपालपुर गांव के पास शुक्रवार की रात करीब 9 बजे वाराणसी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार गाय को बचाने में सड़क के किनारे 15 फीट नीचे गड्ढे में पलट गई। कार में फंसे लोगों की चीख पुकार सुन आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। पूछताछ किया तो पता चला कि कार सवार वाराणसी से बलिया अपने गांव लौट रहे थे। लोग घायलों को निजी चिकित्सक के पास ले गए। गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने सोनू और गुड्डू को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। इस संबंध में चौकी प्रभारी सिधौना योगेंद्र सिंह ने बताया कि कार पलटने की सूचना सैदपुर से प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचा तो देखा कि कार पलटी हुई है। पता चला कि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को वाराणसी ले जाया गया है। वाहन स्वामी की तरफ से घटना के संबंध में सूचना नहीं मिली है। गाजीपुर की हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।